बात करेंगे अडानी बिलमर की अडानी बिलमर में 10 परसेंट का सर्किट लग रखा का लेकिन अगर देखोगे तो नेगेटिव न्यूज चल रही है इसके रिगार्डिंग अडानी बिलमर के सनफ्लावर ऑयल शॉर्टेज बरीज देख सकते हो शेयर ऑफ रिसेंटली रिस अडानी बिलमर जूम डेज मच दस परसेंट ड्यूरिंग अर्ली ट्रेड ऑन फ्राइडे एम सप्लाई बरीज द रसियन इन्विजन ऑफ की कुड इंपैक्ट सन फ्लावर ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया विच अल्टीमेटली कैन लीड एन इमीजिएट राइज इन सनफ्लावर ऑयल प्राइस यूक्रेन अलोन कंट्रीब्यूट मोर देन टू थर्ड ऑफ इंडिया सनफ्लावर ऑयल फॉलोड बाई रसिया मतलब सत्तर परसेंट के आसपास आता यूक्रेन से बीस परसेंट के आसपास बीस पच्चीस के आसपास रसिया से सनफ्लावर ऑयल तो काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं और काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि नेगेटिव खबर आ गई तो लेकिन स्टॉक में तेज़ी है तो ऐसा क्यों है तो वो सब डिस्कस तो करेंगे करेंगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी अगर अभी तक आपने आ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते फ्री ऑफ कॉस्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है पिन कमेंट मैंने मिल जाएगी एजुकेशन लर्निंग वीडियो सब कुछ मार्केट टाइम में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाते हैं इसके अलावा आई एम नॉट नोटिस एडवाइजर जो भी आती है सब आती है एजुकेशनल पर्पज के लिए चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अडानी बिलमर के अडानी बिलमर अडानी और बिलमर का भाई है इनकी जो कंपनी है ठीक है चलो अब ये बात कर लेते हैं सीन क्या चल रहा है देखो लिस्टेड हुई कंपनी ठीक है और उसके बाद तो भाई चार दिन में रॉकेट हो गई हमने तो यहाँ पे कहा था प्रॉपर प्रॉफिट बुक कर लो जिसको करना है प्रॉफिट बुक करना है तो जिन्होंने नीचे लिया था उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था और उसके बाद मैंने कहा था ये गैप फिल होगा तो वो गैप फिल हो गया था रिसेंटली लेकिन मैं अभी लेकिन बिल्कुल वेट कर रहा था आपको मैंने भी बताया था कि वे वेट कर सकते हो नीचे के लेवल्स के लिए जिस तरीके से जो नए नए आई पी ओ आए उनकी पिटाई हुई है उतनी तो पिटाई इसमें बिल्कुल भी देखी नहीं गई तो भाई मैं तो इंतज़ार कर रहा था पिटाई और पिटाई हो इसकी चाहे वो नायका हो पेटीएम कार ट्रेड, बहुत बहुत बढ़िया पारस डिफेंस लेट एंड ब्यू ऐसा कोई स्टॉक नहीं है नया वाला जो आई पी ओ है जिसकी पिटाई नहीं हो बुरी तरीके से तो फिर अडानी बिलमर भी तो एक उन्हीं में से एक आई आया हुआ है तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी पिटाई हो जाए खबर निगेटिव है लेकिन अभी स्टॉक में दस परसेंट की तेजी है हो सकता है मार्केट में मंडे वाले दिन भी तेजी रहे तो हो सकता है उस दिन भी तेज रहे क्योंकि जो निगेटिव खबर है उसका इंपैक्ट ऐसा नहीं है कि कल ही कल पड़ जाएगा हो सकता है जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए अगले क्वार्टर फोर के वहां पर इम्पैक्ट रिजल्ट पे पड़े और उसके बाद गिरावट हो तो ओवरऑल सीन यही है कि ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव खबर आए तो उसके अगले दिन स्टॉक रॉकेट हो जाएगा बीस भाग जाएगा या कोई निगेटिव खबर आए तो उसके अगले दिन ही दस या बीस परसेंट धरा क्रैश हो जाएगा इंपैक्ट ओवरऑल पड़ता है तो हो सकता है अगले दिन थोड़ा बहुत पढ़े हो सकता है कि ना पढ़े हो सकता है पाँच दिन बाद पढ़े हो सकता है महीने बाद पढ़े तो ये चीज़ें पूरी आपको रखनी पड़ेंगी दिमाग में मैं तो बिल्कुल नीचे के लिए वेट करूंगा और जो भी अपना जिनकी भी अपनी हैं चीज़ें जो लेकर बैठे हुए हैं तो अपना टाइम टू तो टाइम प्रॉफिट जरूर बुक करते रहें हमेशा से मैं बताता रहता हूँ लॉन्ग टर्म का सीन है तो फिर तो ये देखना है ही नहीं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है आगे जा रहा है क्या हो रहा है तो फिर तो ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं लॉन्ग टर्म वाली पोजीशंस के लिए लेकिन अगर जब भी शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो हमेशा अपने प्रॉफिट्स बुक करते जाना है मैं नई एंट्री के लिए तो अभी बिल्कुल भी बेट एंड वॉच है जब भी कभी आएगा मौका तो जरूर डिस्कस करेंगे इन द एंड आपकी मर्जी है आपका पैसा फाइनेंशियल एडवाइस बोल सकते हो अपना भी वन सब सुन नहीं सकते कहीं अपने चैनल चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीडियो शेयर कर देना चाहेंगे दोस्तों